तो दोस्तों आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप मैच नंबर 7 जो खेला जाने वाला है भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो भाई आज का मैच कौन सी टीम अपने नाम पर करने वाली, यही जानने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट मैच जो इंडिया ने खेला था भाई वो हार गई थी और जो पाकिस्तान ने खेला था वो जीत गई थी। तो इस बार क्या होगा कि भाई इंडिया ये मैच अपने नाम पर करेगी या फिर पाकिस्तान ये मैच अपने नाम पर करेगी, वही तो जानना है। संडे 6 अक्टूबर को इस मैच को आप इंडिया टाइम अनुसार 3:30 बजे लाइव देख सकते हो। और ये जो मैच है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई के मैदान पर खेला जाने वाला है, तो पिच रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ भाई बात नहीं करेंगे। बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैच नंबर 3 की वीडियो में पिच के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बारीकी से बताया गया है। अगर मैं वही चीज़ें दोबारा बताऊँगा आप बोलोगे भाई क्या बार बार वही चीज़ें बताता रहता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये पिच रिपोर्ट आपका वो कहाँ पर मिल जाएगी, वो सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। हेड टू हेड मुकाबलों की अगर बात करूँ भाई इंडिया और पाकिस्तान 15 मैचेस खेले हैं इन्होंने, उन 15 मैचों में से 12 मैच इंडिया ने अपने नाम पर किया और 3 मैच जो है वो पाकिस्तान वुमेन्स ने अपने नाम पर किया है। टी20 वर्ल्ड कप में भाई 7 बारी ये आमने सामने टकराई हैं, 7 बारी में से 6 बार इंडिया ने अपने नाम पर किया है मैचेस और 1 ही बार पाकिस्तान ने किया। लास्ट 5 मुकाबलों की बात करें 4 मुकाबले इंडिया ने अपने नाम पर किए, पाकिस्तान ने सिर्फ 1 ही मुकाबला अपने नाम पर किया। तो कुल मिला के जो देखा जा रहा है भैया इंडिया जो है हर जगह अपना दावा साबित कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, पाकिस्तान भी बहुत अच्छी टीम है। लेकिन उससे पहले भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही आंकड़ों खंगाल के हम बताते हैं कि आज का मैच कौन सी टीम अपने नाम पर कर सकती है। और साथ ही साथ भाई अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको फाइनल रिपोर्ट मिल जाती है कि आज का मैच जो है कौन सी टीम अपने नाम पर करेगी। और साथ ही साथ भाई आपको ये भी पता चलता है कि आज के मैच में 5, 10, 15, 20 ओवर में कितने रन बनने वाले हैं, कितने रन लगेंगे 5 ओवर में, कितने रन लगेंगे 10 ओवर में, और कौन से ओवर में विकेट आने वाला है, ये सारी चीज़ें भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती जो आपको टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर अफ्सा प्रोडक्शन हाउस के नाम पर चैनल है, फटाक से ज्वाइन कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। टीम परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भाई इंडिया इस मैदान पर 1 मैच खेला है, हार गया है, पाकिस्तान अभी तक इस मैदान पर कोई भी मैचेस नहीं खेला है। वही दोस्तों जानते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 और जानते हैं कि जो खिलाड़ी हैं इस टीम में उनकी परफॉर्मेंस कैसी नजर आ रही है, उसी के हिसाब से तो पता चलेगा भाई आज का मैच कौन सी टीम अपने नाम पर कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं भाई क्या हो सकती है दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वुमेन्स की, तो ये हो सकती है दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11। और पिछला मैच हार गए थे सभी को पता है भाई, बड़ी दुख की बात है पिछला मैच हार गए थे, तो मे बी हो सकता है इस मैच में राधा यादव की वापसी किसी एक की जगह पर आपको देखने को मिल सकती हो। शेफाली वर्मा की बात करें तो भाई आप सभी को पता है बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इनके साथ क्या होता है कि भैया ताबड़तोड़ रन बनाने के चक्कर में यानी कि तेज गति से खेलने के चक्कर में बहुत ही जल्दी कभी कभी विकेट अपना फेंक के चले जाती है, क्या होता है कि एक मैच में चलती है तो एक आधे मैच में फ्लॉप भी हो जाती है। स्मृति वंद्रा की बात करें तो ये भी कमाल की बल्लेबाज है, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इनके साथ क्या होता है कि भैया 2-3 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस करती है लेकिन एक आधा मैच में हो जाता है भैया, एक आधा मैच में खिलाड़ी फ्लॉप भी होता है, लेकिन कमाल की बल्लेबाज है तो अच्छी परफॉर्मेंस नजर भी आती है। हरमनप्रीत की बात करें भाई ये इस टीम की बागडोर संभाल रही है और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी करती हैं, 4-5 मैचों में अच्छी बल्लेबाजी करती है लेकिन एक आधा मैच में होता है कि भाई फ्लॉप जाती है, लेकिन गेंदबाजी बहुत कम करती हैं, लेकिन जब गेंदबाजी लेकर आती है तो वहाँ से भी एक आधा विकेट इनको मिल जाता है। तो कुल मिला के भाई ये जो कौर जी हैं बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, जेमिमा रोजर्स की तो भैया ये भी काफ़ी अच्छी खिलाड़ी हैं, ये जो खिलाड़ी ना भैया बहुत ही देख कर बहुत ही परख के खेलती हैं, यानी कि भाई जब मैदान पर आती है तो कंडीशन को देखती है उसी हिसाब से ये परफॉर्मेंस करती हैं, क्या होता है कि इनके साथ भी भाई 1-2 मैचों में चलती हैं, 1-2 मैच में फ्लॉप जाती है, लेकिन जो इनका रन रेट होता है वो ज़्यादातर क्या होता है थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन अपनी टीम को संभाल के आगे तक बढ़ाने की कोशिश करती हैं। भाई अगर बात करें भाई ऋचा घोष की तो भाई विस्फोटक बल्लेबाज, थोड़ी नीचे बल्लेबाजी आती है लेकिन जब बल्लेबाजी आती है तो काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती भी हैं और साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी करती हैं। दीप्ति शर्मा की अगर बात करें तो भाई ये भी खिलाड़ी अच्छे हैं लेकिन क्या होता है कि नीचे बल्लेबाजी आती है, जब बल्लेबाजी आती है तो वहाँ से कभी कभी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, गेंदबाजी कराती तो वहाँ से भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आती, हम कह सकते हैं भाई जो एवरेज खिलाड़ी है, यानी कि कभी कभी इनका जो दिन होता है तो अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है, नहीं तो ज़्यादातर मैचों में नॉर्मल परफॉर्मेंस इनके बल्ले से और गेंदबाजी से इनको देखने को मिलती है। अरुण दत्त रेड्डी की बात करें तो भाई एक आधा मैच में इनको विकेट मिल जाता है, एक आधा मैच में विकेट लेस भी चली जाती है। पूजा वस्त्राकर की बात करें भाई कमाल की
गेंदबाजी कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आती है। जब बल्लेबाजी का नंबर आता है कभी कभी तो वहां से भी 10-15 रन बना ही देती है। आशा शोभना की बात करें तो भाई ये भी ठीक ठाक गेंदबाज है, एक आधा विकेट इनको मिल ही जाता है, कभी कभी विकेट लेस भी चले जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा खराब है, एवरेज खिलाड़ी हम कह सकते हैं। रेणुका सिंह की तो भाई कमाल की गेंदबाज है, पिछले मैच में आपने देखा भी होगा 2 विकेट निकाला भी था, ये भी काफी अच्छी गेंदबाजी करती है। हर मैच में 1-2 विकेट तो इनको मिलता ही मिलता है, कोई कोई ऐसा मैच जाता है जहां पर इनको विकेट ना मिले, लेकिन ज्यादातर मैचों में इनको विकेट मिलता ही मिलता है। श्रेयंका पाटिल की बात करूं तो भाई ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेती है और गेंदबाजी भी ठीक ठाक ही करती है, लेकिन बल्लेबाजी क्या होता है कि बहुत ज्यादा नीचे आती है, कभी कभी मौका मिलता है बल्लेबाजी करने का, और गेंदबाजी से क्या होता है कि एक आधा विकेट इनको मिल जाता है, कभी कभी होता है कि विकेट नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंडिया के खिलाड़ियों के बारे में जान लिया कि कौन अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसके क्या है। और बात करें पाकिस्तान का तो मुनीबा अली की बात करें तो भाई ये भी ठीक ठाक बल्लेबाज है, विकेट कीपिंग करती हैं, और क्या होता है कि इनके साथ एक आधा मैच में चलती हैं तो एक आधा मैच में फ्लॉप भी चली जाती हैं। गुलफरोजा की बात करें तो भाई नई खिलाड़ी हैं लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती हैं, क्या होता है कि इनके साथ भी एक आधा मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं और 1-2 मैच में फ्लॉप ही चली जाती हैं। सिद्रा अमीन की बात करें तो भाई बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी ज़्यादा करती हैं, गेंदबाजी बहुत ही कम करती हैं, तो बल्लेबाजी से क्या होता है कि इनका भी 2-3 मैचों में चलती हैं लेकिन एक आधा मैच में फ्लॉप चली जाती है, गेंदबाजी बहुत कम कराने को मिलती है। जब गेंदबाजी लेकर आती है तो किसी किसी मैच में विकेट मिल जाता है, किसी किसी मैच में विकेट नहीं भी मिलता है। निदा डार की बात करें तो भाई ये कमाल की खिलाड़ी है, यानी कि जब बल्लेबाजी करने आती है तो वहां से भी अच्छी परफॉर्मेंस करती है और गेंदबाजी भी बहुत ही ज्यादा कमाल की करती है, यानी कि कुल मिलाकर भाई निदा डार जो है ना काफी कमाल की बल्लेबाज है, अपनी टीम को समझ लो एक तरह संभाल के रखती है। आलिया रियाज की बात करें तो भाई आलिया रियाज जो है ना नीचे बल्लेबाजी करती है, इनका क्या है कि भाई 4-5 मैचों में फ्लॉप चले जाती हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि 1-2 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर देंगे, फिर 3-4 मैचों में फ्लॉप चले जाएंगे। तो आलिया रियाज की जो परफॉर्मेंस है वो कुल मिला के अभी कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। और मामा सोहेल की बात करें तो भाई बॉलिंग ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है, किसी किसी मैच में आती है, किसी किसी मैच में नहीं भी आती है, अगर बल्लेबाजी आती भी तो कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं जा पाती, गेंदबाजी भी थोड़ी कमी कराती है, लेकिन गेंदबाजी में पिछले मैच में आपने देखा होगा 2 विकेट इन्होंने निकाला था, तो क्या होता है कि गेंदबाजी में जब कराती है गेंदबाजी तो एक आधा विकेट इनको मिल ही जाता है, अभी गेंदबाजी में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नज़र आ रही है। फातिमा सना की बात करें तो भाई फातिमा सना इस टीम को संभाल के रखती हैं, भाई काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी करती हैं और गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी करती हैं, पिछले मैच में आपने देखा भी होगा 30 रन के आसपास बनाया भी था और गेंदबाजी से भी 2 के आसपास इन्होंने निकाला था, यानी कि फुल कप्तान होने का जो मतलब जिम्मा है वो बखूबी निभा रही हैं। तौबा हसन की अगर बात करें भाई गेंदबाजी करती हैं लेकिन गेंदबाजी में उधार नज़र नहीं आती है, जब गेंदबाजी लेकर आती है एक आधा विकेट मिल जाता है लेकिन महंगे साबित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पिटाई इनकी हो जाती है। नसारा संधू की अगर बात करें तो जो गेंदबाजी है नसारा संधू की वो ठीक ठाक होती है, किफ़ायती साबित होती है और एक आधा विकेट भी मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से जो नसारा संधू है इनकी जो गेंदबाजी है वो अभी अच्छी खासी नज़र भी आ रही है। डायना बैक की बात करें तो भाई ये भी ठीक ठाक गेंदबाज है, हर मैच में एक आधा विकेट इनको मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इनको विकेट नहीं मिलता है। सादिया इकबाल की बात करें तो भाई ये इस टीम में कमाल की गेंदबाज है, हर मैच में 2-3 विकेट ये अपने नाम पर कर लेती हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कराती है, किफ़ायती भी साबित होती है, तो मेरे हिसाब से सादिया इकबाल जो है काफ़ी अच्छी खिलाड़ी है, कुल मिला के जो इनकी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों दोनों टीमों का कंपैरिजन करने के बाद मेरे को तो लग रहा है कि जो इंडिया की जो खिलाड़ी है ना वो भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि भाई जो इंडिया की स्टार्टिंग के बल्लेबाज हैं वो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं, और जो इंडिया की गेंदबाज है वो भी काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन होता है कि भाई पिछला मैच हालांकि थोड़ा सा खराब गया था। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो स्टार्टिंग के जो कुछ बल्लेबाज हैं वो अच्छे हैं और जो नीचे के गेंदबाज हैं कुछ वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो बीच का जो दिखाई दे रहा ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी इतना थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर नज़र आ रही है। वैसे अगर लास्ट 6 मैच की परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो भाई इंडिया ने जीते हैं भाई 4 मैचेस और 2 हारे हैं, वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने 6 में से 3 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं। बैटिंग एवरेज की बात करें पाकिस्तान की तो भाई 138 के आसपास आपको दिखता है, यानी कि बैटिंग एवरेज हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, और इंडिया की बैटिंग एवरेज देखें तो दोस्तों वो 170 के आसपास आपको नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैटिंग जो है इनकी वो डगमगाई हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर बॉलिंग एवरेज देखें तो जो इनकी बॉलिंग एवरेज का आंकड़ा है वो 7.50 है, तो इनका भी कहीं ना कहीं जो बॉलिंग है थोड़ी सी डगमगाई हुई नज़र आ रही है, और पाकिस्तान की अगर बॉलिंग एवरेज देखें तो 7.10 है, यानी कि इनकी जो बॉलिंग है वो ठीक ठाक नज़र आ रही है। तो दोस्तों कुल मिला के मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भारत की बल्लेबाजी है वो ठीक नज़र आ रही है और जो पाकिस्तान की गेंदबाजी है वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की बल्लेबाजी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगाई जरूर नजर आ रही, लेकिन जो गेंदबाजी है वो पाकिस्तान की थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है और इंडिया की थोड़ी सी डाउन नजर आ रही है। तो दोस्तों वैसे आज का मैच कौन सी टीम अपने नाम पर कर पाएगी, आपको क्या लग रहा है? वैसे मेरे हिसाब से तो मैं बताऊं भाई 70% चांस जो है वो इंडिया के हैं
और 30% जो चांसेस हैं वो पाकिस्तान के हैं। लेकिन मैं अपनी प्रिडिक्शन बताऊं तो भाई मेरे हिसाब से आज का जो मैच है वो इंडिया अपने नाम पर करेगी और हम लोग बोलेंगे भाई इंडिया इंडिया इंडिया। तो आज का मैच जो है वो इंडिया अपने नाम पर कर सकती है। वैसे फाइनल प्रेडिक्शन जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी जो मैच शुरू होने से एक आधा घंटे पहले। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पर अफ्सा प्रोडक्शन हाउस के नाम पर चैनल है तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको फाइनल प्रेडिक्शन मिल जाती है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि 5-10-15 ओवर में कितने रन बनेंगे, कौन से ओवर में विकेट आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है वो आपको पता चल जाती हैं। सब कुछ पता ही चल गया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है मैं नया नया वीडियो बना रहा हूँ लेकिन जानकारी मेरे को बहुत है लेकिन बोलने का तरीका मेरे पास नहीं है, तो मेरे को हल्के मत लेना भाई लोगों, जो मैंने बोला है वही होने वाला है, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, एक और कमाल की वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।